मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आज बताने जा रहा हूँ कि ट्रेन का स्टेटस कैसे पता करेंगे, या आपको ट्रेन से यात्रा करनी है तो कैसे जानेंगे कौन सी ट्रेन कितनी लेट है और कहाँ पर है, या आपका कोई भी मित्र साथी या माता पिता ट्रेन से आ रहे हैं तो कैसे आप अनुमान लगाएंगे, कैसे जानेंगे कि वो ट्रेन कहाँ तक आई हुई है। तो मित्रों मैं पूरा इसको एक एप्स के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप पूरी सेटिंग करके जान जाएंगे कि वो ट्रेन कहाँ तक आई हुई है या कब तक पहुँचने वाली है। तो मित्रों सबसे पहले आप जो है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाएंगे। मित्रों यदि हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मित्रों इस तरह की नई रेगुलर अपडेट में नई नई वीडियो को मैं लेकर हमेशा आता रहता हूँ। देखिए मित्रों मेरा प्ले स्टोर खुल गया, अब मैं यहाँ पर जो है लिखूंगा वेयर इज माई ट्रेन। देखिए मित्रों यहाँ ऊपर जो है एक ट्रेन का ऑप्शन बनकर के आया हुआ है। अब मित्रों मुझे यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देखिए मित्रों यहाँ पर जो है लिखा हुआ वेयर इज माई ट्रेन इंडियन रेलवे ट्रेन स्टेटस। मित्रों इसे आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है। मेरे मित्रों पहले से इंस्टॉल है तो मैं यहाँ से ओपन करूंगा, आप मित्रों इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद मित्रों इसे आप ओपन करेंगे। मित्रों बहुत ही आसान सा प्रोसेस है कि आप कैसे जानेंगे। अब मित्रों यहाँ पर जो है देखिए तीन ऑप्शन दिया हुआ है, एक दो है स्पोर्ट, फिर दूसरा PNR, फिर नादर से दिया हुआ है। अब मित्रों जो है आप यहाँ पर पता करेंगे आप कि ट्रेन कहाँ से कहाँ के लिए चली है, यानी आपको कहाँ से कहाँ जाना है, या आपके मित्र या साथी कोई अगर आ रहे हैं तो वो कहाँ से ट्रेन चली है और कहाँ तक जाएगी, उस बीच का कहीं भी जगह आप डाल देंगे तो ट्रेन को सर्च कर लेगा। जैसे मित्रों मैं उदाहरण के तौर पर जो है एक डेमो जगह डाल रहा हूँ, GKP, मतलब ये गोरखपुर जंक्शन हो गया। अब गोरखपुर जंक्शन से मैंने उदाहरण के तौर पर जो है लखनऊ डाल दिया। अब मित्रों मैंने लखनऊ सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए मित्रों आपको कुछ नहीं करना है, वो आप फाइंड माई ट्रेन कर देना है। अगर आपको ट्रेन नंबर मालूम है तो ट्रेन नंबर डाल देना है, आपको स्टेटस कोड अगर मालूम है तो स्टेशन कोड डाल देना है, कुछ भी अगर नहीं मालूम है आपको तो आप फाइंड माई ट्रेन करेंगे। ट्रेन करते ही मित्रों देखिए खुल गए कि कितनी ट्रेनें जो है अभी इस समय गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली हैं। देखिए मित्रों किराया भी दिखा रहा है, डेली रनिंग किराया 110 रुपया। फिर मित्रों देखिए यहाँ पर जो है दूसरा दिखा रहा है, ये 5:45 पर चलेगी और 1 बजे पहुंचेगी, ये भी जो है 95 रुपया किराया है। तीसरा जो है देखिए 110 रुपया किराया है, ये 8:55 पर चलेगी, 2:35 पर पहुंचेगी। तो मित्रों आप देख लेंगे कौन सी ट्रेन जो है कब जा रही है, कब हम पहुंचेंगे। अब मित्रों उदाहरण के तौर पर मैं जो है सबसे ऊपर वाले पर क्लिक कर दिया, इंटरसिटी एक्सप्रेस पर। मित्रों देखिए क्लिक करते ही जो है ये खुल गए कि अभी ट्रेन है गोरखपुर से चली नहीं है, चलने वाली है। अब मित्रों गोरखपुर चली नहीं है, ये कहाँ कहाँ रुकेगी इसको आप देख लीजिए। ये गोरखपुर से चलेगी तो सगनवा रुकेगी, लेकिन मित्रों गोरखपुर से सगनवा के बीच में कोई स्टेशन है कि नहीं है इसके लिए मित्रों आप यहाँ बीच में अगर क्लिक कर देंगे तो देखिए मित्रों गोरखपुर से 4 किलोमीटर दूरी पर जो है डोमिनगढ़ स्टेशन है, और गोरखपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है जगत बेला स्टेशन है, लेकिन मित्रों ये वहां पर नहीं रुकेगी। अब मित्रों सजनवा से के बारे मगहर रुकेगी तो आप जो है देखेंगे कि मगहर और सजनवा के बीच में कोई स्टेशन है कि नहीं है। देखिए मित्रों यहाँ पर सुइया पर हाल्ट है, लेकिन मित्रों वहां पर वो नहीं रुक रही है। फिर मित्रों मगहर से खलीला का बात के बीच में जो है कोई स्टेशन नहीं है, नहीं स्टेशन है मित्रों, लेकिन देखिए वहां पर नहीं रुक रही है। इस तरह से मित्रों आप चेक कर लेंगे कि हमारी जो है ट्रेन है वो हमको अपने स्थान तक कब तक पहुंचाएगी, उसकी टाइमिंग क्या है। अब देखिए मित्रों लखनऊ 11 बजे पहुंचने का इसका टाइम है, तो मित्रों यह 11 बजे आराम से पहुंचा देगी। यदि मित्रों आपको इसके पहले कहीं उतरना है तो इसके पहले जो भी आप उतर सकते हैं, जहां जहां पर ट्रेन रुकने का ऑप्शन दिया हुआ है ये ट्रेन वहां वहां जरूर रुकेगी। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप टिकट कैसे काटेंगे, कैसे अपना रिजर्वेशन कराएंगे अपने मोबाइल से, कैसे आप जानकारी कर लेंगे कि जो तत्काल का टिकट कैसे मिलता है और ID टिकट बनाने वाली कैसे बनती है। तो मित्रों बस इस वीडियो में इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मित्रों तो आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। मित्रों नमस्कार।